नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंडिड स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो। और मेरे यहाँ पे इस चैनल पे आपको एक ही ट्रेड दिया जाता है, लेकिन उसको हर सिनेरियो से समझाया जाता है, ठीक है? तो अगर आपको ठीक लगे तो आप चैनल के साथ बने रहिए, अदरवाइज आपकी मर्जी दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पे जो डे ट्रेडिंग रूल्स के दौरान जो साइकोलॉजिकल रूल्स, आप कितना भी सीख लो, टेक्निकल्स कुछ भी सीख लो, आपका साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो 70% काम आता है दोस्तों। बिकॉज आप कितने भी अच्छा टैक्टिक जान लो, आपका मेंटेलिटी ठीक नहीं है, आपको ग्रीड आ रहा है बार बार, आपको ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश है, तो वहां पे आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे ये जो रूल्स है ये आपको फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए तो है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के जो मैं कल ट्रेड दिया था आज के लिए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने JSW स्टील के बारे में कल कहा था। देखिए, मैंने ये भी कहा था कि ये स्टॉक को मैं कई दिन से ट्रैक कर रहा हूँ और इसके ब्रेक होने की मैं सोच रहा था कि ये जब ब्रेक होगा तब मैं इसको वॉच में रख मच में इसको लूंगा। तो ये एक ही चैनल पे चल रहा था, हर रोज एक ही चैनल पे चल रहा था। तो कल परसों इसने ब्रेक दिया था और मैंने कल इसे ट्रेड दिया। तो कल मैंने सारे सिनेरियोस समझाए थे कि मार्केट खुलते ही ये हमें यहाँ पे यहाँ से क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, सारा चीज बताया था। तो देखिए, मार्केट खुलते ही एक अच्छे तरीके से ये जो है यहाँ पे ब्रेक दिया, ठीक है, फुल कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल में ही इसने अपना टारगेट जो है अचीव कर दिया, ठीक है। तो छोड़िए इसको, उसके बाद भी अगर प्रॉपरली किसी ने ऐसे टाइप के पैटर्न बना के ड्रॉ करके अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, उनका गलती तो कभी नहीं हुआ हो, मतलब कभी नहीं हो सकता। आप अपने स्टॉप लॉस को भी अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करते हुए आराम से चल सकते हो। देखिए, यहां से भी किसी ने एंट्री लिया होगा तो उसका देखिए, इसने आज लो बनाया 716 रुपीज के आसपास, इसने लो बनाया 714 रुपए के आसपास। तो 743 से 714 कितना हो सकता है आप खुद देख लो। ऑलमोस्ट 29 रुपीज का इसने आज दिया है हमें पॉइंट, और क्या चाहिए, है कि नहीं? मैं खुद नहीं कहूंगा कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन कैसा है, आप लोग खुद कहोगे। तो आज का ट्रेड अच्छा रहा है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल का इंट्राडे स्टॉक हम देख लेते हैं। वो है सिंगल स्टॉक अपना, वो है हीरो मोटो। नेट का शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं दोस्तों। हीरो मोटो कल हमारा स्टॉक रहेगा कल के लिए। सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने समझने का नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखिएगा कल के डेट में जो बीते हुए कल थे उस दिन इसने खतरनाक तरीके से 7% का फॉल इसने दिखाया था, 7% का फॉल इसने दिखाया था। और 7% का फॉल दिखने के बाद ये फिर से आज अपने से मतलब उस लेवल पे आने की कोशिश किया है, और यहाँ से एक अच्छा सा माइल्ड गैप अप हो सकते है, इसे कह सकते हैं आप। अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने किया, एक पोल बना और यहाँ से फिर एक फ्लैग तरीके का सेम चैनल यहाँ पे बनता गया। जब भी कोई भी स्टॉक, चाहे याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर ड्यूरिंग ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग भी हो सकता है या फिर आप शॉर्ट टर्म स्टॉक के एनालिसिस कर रहे हो वहां पे भी हो सकता है, जब सेम चैनल पे आपका कोई भी स्टॉक ऐसे वेव की तरह अगर फहरा रहा है, फ्लैग की तरह अगर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक ही रेंज पे अगर ये चैनल पे घूम रहा है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये एक दो दिन में हो सकता है या फिर साथ ही साथ हो सकता है कि जहां पे भी ब्रेक देगा ये सुपर ब्रेक देगा, चाहे अप हो चाहे डाउन हो। हमें दोनों साइड की तैयारी कर लेनी चाहिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ पोजिशंस आर अनडिसाइसिव। ओके, कल अगर ये अपसाइड में ब्रेक देता है, कल ये अपसाइड में ब्रेक देगा अगर, तो हम 2284 के अबव ह्यूज वॉल्यूम जहां पे अगर दिखेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और टारगेट हमारा 2300 मिनिमम रहेगा। और प्लस अगर इससे ऊपर भी अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको अगर ब्रेक करके ऊपर भी जाता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ेंगे। सेम केस इन शॉर्ट सेल साइड में, शॉर्ट सेल साइड में भी अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, मान लीजिए आपको नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन दिया और वॉल्यूम भी आपको बेयरिश मतलब सेलर्स के ज्यादा रहा, तो हम नीचे की तरफ भी एंट्री लेंगे, 2244 के नीचे एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा जो मिनिमम टारगेट रहेगा 2228,
और यहां से अगर और ब्रेक डाउन दे रहा है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई भी आप ट्रेड लेंगे, ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे हर सिनेरियो को क्या हो सकता है, कहाँ से कैसे हो सकता है, हर सिनेरियो को लेके हमें चलना है। हम सिर्फ एक ही अंदाज में चलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर सिनेरियो कहाँ से कैसे होगा, कहाँ से कैसे हो सकता है, तो ये सब लेके चलेंगे तो हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाद बाकी मिस्टर मार्केट तो मिस्टर मार्केट ही है, उनको तो सल्यूट करके आपको आगे बढ़ना ही है। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छे से रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।